तो इस तरह की चीज़ें नहीं भी होनी चाहिए। इंडिया अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रहा है तो उसको भी ध्यान से सोच समझ कर करना चाहिए। अब पाकिस्तानियों का यही स्टांस है, हर पाकिस्तानी का, कि ये इंडिया को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए था कि अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि उनका एक्सपेरिमेंट हुआ मिसाइल पाकिस्तान में कैसे दाखिल हो गया। उनकी गलती हुई है तो पाकिस्तान आर्मी उन्हें खुद देख लेगी। अभिनंदन वाला वाक्य याद है अभी तक, वो चाय अभी तक ठंडी नहीं हुई, ठीक है, तो पाकिस्तान आर्मी खुद देख लेगी। आप जज्बात में आकर दोनों मुल्कों को जंग ना करवाएं। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत मुंह तोड़ जवाब दे, तो अगर इंडिया का यही कहूंगा, अमेरिका को इसमें नहीं कूदना चाहिए, शैतानी काम अमेरिका को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के दोनों मुल्क के लोग इंडिया और पाकिस्तान को लेकर बड़े जज्बाती होते हैं। अगर इंडिया क्रिकेट मैच होना चाहिए, वर्ल्ड कप में मैच होना चाहिए, तो ये चीज़ें जो हैं इनको हम मिलजुल कर हल निकालें ताकि ये जो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि दो दिन से पाकिस्तान में खबर चल रही है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में मिज़ाइल गिरी है। पहले तो पाकिस्तान को समझने में ही इतना टाइम लग गया कि मिज़ाइल है या कुछ और है। पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी अपनी राय देते रहे। अब पाकिस्तान मीडिया में यह खौफ सताने लगा है कि ये मिज़ाइल कहीं इंडिया ने जानबूझकर तो नहीं भेजी है। वहाँ के मीडिया एंकर अब कह रहे हैं कि इमरान खान को मोदी से बात करनी चाहिए। थोड़े दिन पहले इंडियन नेवी की सबमरीन भी पाकिस्तान के इलाके में देखी गई थी, तो पाकिस्तान को खौफ है कहीं इंडिया कुछ बड़ा तो नहीं करने वाला है। इसी को लेकर पूरे पाकिस्तान में बहस चल रही है। आगे वीडियो में एंकर रिबा खान ने यही क्वेश्चन एक पाकिस्तानी से पूछा है, उसे भी लगता है कि लड़ाई कोई हल नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे का पूरा वीडियो। था यानी कि अमेरिका पाकिस्तान खुद से अपनी कोई चीज़ अज्यूम ना करे। इंडिया ने ये गलती से किया था और उसके लिए उन्होंने एक्सक्यूज़ भी कर लिया, और पाकिस्तान इस मामले को अपने से कुछ अज्यूम ना करे। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखें, सपोर्ट ना सपोर्ट की तो एक अलग वजह है। इंडिया पाकिस्तान का मामला जहाँ पर भी आता है, दोनों तरफ की जो अवाम है, अजीब अवाम है, दोनों तरफ की दोस्ती भी चाहते हैं और दुश्मनी भी चाहते हैं। तो जज्बात हैं, यहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, जाहिर बात है उनका भी एक प्रेशर है कि शायद इंडिया ने हम पर हमला कर दिया। इंडिया का मिसाइल 3 मिनट तक पाकिस्तान में हवाई हदूद में रहा और वहाँ पर गिर पड़ा। तो एक सवाल है आवाम का, जिसके बाद हुकूमत इसका एक नोटिस लिया, इंडिया से एहतजाज भी किया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं भी होनी चाहिए। इंडिया अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रहा है तो उसको भी ध्यान से सोच समझ कर करना चाहिए ताकि ये हदूद को क्रॉस ना करे। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनको अपनी कंट्री में करना चाहिए था। एक्सपेरिमेंट इतना भी फेल नहीं हो जाना चाहिए कि वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ जाए, ठीक है। अब पाकिस्तानियों का यही स्टांस है, हर पाकिस्तानी का, कि ये इंडिया को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए था कि अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि उनका एक्सपेरिमेंट हुआ मिसाइल पाकिस्तान में कैसे दाखिल हो गया। उनकी एक प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी को ये चीज़ें देखनी चाहिए थी। ये तो बड़ी गैर प्रोफेशनल चीज़ लग रही है कि आपका मिसाइल उड़ता हुआ पाकिस्तान आ गया। अब हुकूमत ने, जाहिर बात है आवाम का एक दबाव होता है, आवाम इस चीज़ में बड़ी जज्बाती है। पाकिस्तान के लोग, आप देखें, मेरे जैसे लोग ये चाहते भी हैं कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, हमारा इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन बन जाए, लेकिन वहीं पर जो जज्बात हैं वो पाकिस्तान और इंडिया को लेके लड़खड़ा जाते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत मुंह तोड़ जवाब दे। इंडिया का मिसाइल पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान उनको जवाब दे। अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने एहतजाज किया, अमेरिका तक बात पहुँची। अमेरिका इंडिया के साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि अमेरिका को अपना मुफाद होगा। बहरहाल मैं फिर से यही कहूंगा कि हमें अमन के साथ रहना चाहिए, हम नेबर्स कंट्री हैं, हमें मिलजुल कर इस मामले का एक हल निकालना चाहिए ताकि दोनों तरफ की जो अवाम है उनके जज्बात को ठेस भी ना पहुंचे और मामला भी हल हो जाए। इंडियन आर्मी को भी इस पर काम करना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी को भी इस पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया ने हमेशा एक साथ रहना है, पाकिस्तान और इंडिया हमेशा साथ रहेंगे, हम दूर नहीं हो सकते। तो यही कहूंगा, अमेरिका को इसमें नहीं कूदना चाहिए, शैतानी काम अमेरिका को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के दोनों मुल्क के लोग इंडिया और पाकिस्तान को लेकर बड़े जज्बाती होते हैं। अगर इंडिया की तरफ से कोई लोग होते, अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाता तो वो भी जज्बाती लोग थे, उनका भी एक रिएक्शन होना था जो वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाता है। हमें एकदम ऐसे लगने लग जाता है कि हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग गई है, बड़ी दफ़ा ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। लेकिन बाद में उस मसले का हल निकलता है, बाद में सब ठंडा होने लग जाता है, बाद में हम सब यही कहने लग जाते हैं हमारा अब क्रिकेट मैच होना चाहिए, वर्ल्ड कप में मैच होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं इनको हम मिलजुल कर हल निकालें ताकि ये जो अवाम
के जज्बात को ठेस पहुंची है। यह भी ना हो इंडियन आर्मी अगर सॉरी बोल रही है तो उसे कबूल करना चाहिए और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या इंडिया ने ये मिसाइल जो था ये जानबूझकर फेंका या गलती से आया? अगर गलती से आया तब भी गलत है, अगर जानबूझकर फेंका तब भी गलत है। गलती से आया तब गलत इस वजह से है कि उनकी जो आर्मी है वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल लोगों की तरफ से ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वाली गलती जो है वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। पहले भी एलओसी के खिलाफ एलओसी के अगेंस्ट वर्जियाँ होती रहती हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। दोनों मुल्कों को पूरा अमन रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत और शांति के साथ रहना चाहिए। इंडियन लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। मुझे इंडिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने 2011 में मोहाली में गया तो बड़े लोग वहाँ के अच्छे हैं, उन्होंने बड़ी मेहमान नवाजी की, अमृतसरी खाने खिलाए, हरीसा खिलाया, तो बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसी चीज़ों को दिल पर मत बिठाएं। पाकिस्तानी लोगों को भी जज्बात में नहीं आना चाहिए। अगर गलती हुई है तो पाकिस्तान आर्मी उन्हें खुद देख लेगी। अभिनंदन वाला वाक्या याद है अभी तक, वो चाय अभी तक ठंडी नहीं हुई, ठीक है? तो पाकिस्तान आर्मी खुद देख लेगी। आप जज्बात में आकर दोनों मुल्कों को जंग ना करवाएं। अगर मामला ठंडा हो रहा है तो उसे ठंडा होने दें। अमेरिका, जर्मनी, चाइना को इस मामले में नहीं आना चाहिए। ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, ये हमें खुद सुलझाना चाहिए। तो इसमें पाकिस्तान तो खुद सबको इन्वॉल्व कर रहा है ना, इसमें किसी कोई और खुद जानबूझकर तो कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान की जानिब से मतलब लेटर्स भेजे गए और इसलिए वो इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उनको दावत दी। देखें, जब एक कल्चर होता है ना कि मोहल्लेदारी कल्चर, जब कोई मोहल्ले में मसला होता है तो हम दूसरों को डालते हैं कि यार ये मसला हो गया, इसे सुलझा दिया जाए प्यार मोहब्बत से। अगर मोहल्लेदार बीच में नहीं पड़ेंगे तो वो लड़ाई और बढ़ जाएगी, हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेंगे। हाँ, मसले को सुलझाना चाहिए प्यार मोहब्बत से, लोगों को बीच में इन्वॉल्व करके। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर लोग बीच में ऐसे आ जाते हैं जो जानबूझकर उस लड़ाई को, उस जलती आग पर तेल छिड़क कर उस लड़ाई को मजीद बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे लोगों से ग्रेज करना चाहिए। अगर ऐसे लोग बीच में आ भी जाते हैं, अमेरिका जैसे जो शैतान है, उन लोगों को निकाल दें, आपस में बैठ के मसले का हल निकालें। भाई प्यार मोहब्बत से रहें यार, आप लोगों ने भी सरहद के पार रहना है, हमने भी सरहद के पार रहना है। ये इंडिया भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, हमने एशिया में ही रहना है, हमेशा साथ रहना है। इंडिया हमारा नमक खा रहा है, हम अपने नमक खाने वाले के साथ ज़्यादा वो नहीं कर सकते। प्यार मोहब्बत से रहें भाई, प्यार मोहब्बत से रहें। इतनी दुश्मनी मत ले लो कि बाद में इस मसले को सुलझाया ना जा सके। तो मैं यही मैसेज दूंगा वहाँ की आर्मी को, वहाँ के लोगों को, के आप प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल तरीके से इस मसले का हल निकाला जाए। आपकी जो ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको आप प्रोफेशनल तरीके से डील करें ताकि वो दोबारा सरहद के इस तरफ ना आए। अगर वो दोबारा सरहद के इस तरफ आएंगे तो यहाँ की आर्मी यहाँ के लोगों के जज्बात को देखकर आपको रिस्पॉन्स देने पर मजबूर हो जाएगी और फिर ये जो मामलात हैं ये आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जो भी ये वाक्या पेश आया 9 मार्च को, ठीक है, एक्सक्यूज़ कर लिया इंडिया की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से। अब मतलब और लोगों को इन्वॉल्व करना, आप सारा सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे कि तो इंडिया की अच्छाई है कि उन्होंने मतलब एक्सक्यूज़ कर लिया, ठीक है, और जिस तरह US ने भी कहा कि हम अपनी तरफ से कुछ एज्यूम ना करें, और क्या ये सारा सिनेरियो ठीक था? देखें, इंडिया ने सॉरी बोल दिया, पहली बात तो ठीक है, ठीक है, हम लोग बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए, हमें उनका सॉरी एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। बड़े दिल का ही मुजाहिरा किया गया दोनों जानिब से, पाकिस्तान और इंडिया की जानिब से, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती और आपको पता है कि अगर जंग होती है तो फिर पूरा खत्ता ही तबाह होता है और मुल्क की इकोनॉमी सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जंग किसी मसले का हल नहीं है। अगर किसी मसले का कोई हल है तो वो प्यार मोहब्बत है, ठीक है। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से रहा जाए, यहाँ से हम पतंगबाजी करें तो हमारी पतंग वो काटा होकर इंडिया जाए और वहाँ के पतंग यहाँ आए, ठीक है। ये जो सिलसिला है, मैं चाहता हूँ बसंत का सिस्टम शुरू होना चाहिए, इंडिया की बसंत की पतंगें उड़ के पाकिस्तान आ रही हूँ और पाकिस्तान की उधर जा रही हूँ, ना कि मिसाइल, ठीक है। मिसाइल नहीं आने चाहिए, पतंग वो काटा होकर उधर भी जानी चाहिए और इधर भी आनी चाहिए। देखें, मोहब्बत, अमन, शांति का पैगाम उधर से भी आना चाहिए और इधर से भी जाना चाहिए। और इस दफ़ा मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान ने उनका सॉरी एक्सेप्ट किया, उन्होंने सॉरी बोला, उधर से भी बड़े दिल का मुजाहरा किया गया और इधर से भी बड़े दिल का मुजाहरा किया गया। और यही हम दोनों कंट्रीज़ को बहुत करीब ले आएगा, हमारे जो क्रिकेट के मैचेस हैं वो होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ की सकाफत, यहाँ का कल्चर वहाँ पर प्रमोट होगा, वहाँ की सकाफत, वहाँ का कल्चर यहाँ पर प्रमोट होगा और दोनों मुल्क, दोनों भाई करीब आ जाएंगे, अमन होगा, शांति होगी। और ये पैगाम फैलाओ भाई, इंडिया और पाकिस्तान को बहुत करीब लेके आने वाले हैं हम लोग इंशाल्लाह, और इंडिया के लोग भी हमारा इस कैंपेन में साथ देंगे। एक कैंपेन चलानी चाहिए जिसपे इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो बरकरार रहे और मजीद जो है हमारे दरमियान ट्रेड भी स्टार्ट होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, हमारे दरमियान ट्रेड होनी चाहिए यहाँ पर।
ठीक है, इंडिया के लोग वहाँ की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान चाइना से एक्सपोर्ट करता है इम्पोर्ट करता है, लेकिन इंडिया से भी करना चाहिए। भाई हमारे पास इंडिया को देने के लिए बहुत कुछ है और इंडिया से लेने के लिए भी बहुत कुछ है, तो क्यों नहीं आगे हाथ बढ़ाते भाई? क्यों अपने लोगों को गुर्बत में धकेल के बैठे हो, पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट? भाई लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका दें, क्यों नहीं दे रहे यार? मैं चाहता हूं कि वहां का कोई यूट्यूबर उठे, वो हमारे साथ कोलैबोरेट करे और हम उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, यहाँ की चीज़ें अच्छी चीज़ें वहाँ पे भेजेंगे और वहाँ की अच्छी चीज़ें यहाँ पे प्रमोट करेंगे, दोनों मुल्कों को करीब लेके आओ। ये जंग वंग किसी भी मसले का हल नहीं है, ये गवर्नमेंट्स जो आती हैं वो हमें लड़वा देती हैं, हमें लड़ना नहीं है, हमें प्यार और मोहब्बत से रहना है, हमें अपने एक दूसरे के सुख और दुख में साथ खड़े होना है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंडिया हमारे दुख में खड़ा होगा, हम इंडिया के दुख और सुख में खड़े होंगे।